बोलो राजल। छुट्टी यस, सर्कुलर फॉलो करो, छुट्टी है क्योंकि आज हमने है। पक्का सेलिब्रेट कर दिया है ना। तो मैम? हाँ, अभी तो को उसे दे बदल आज जल गया था जब हमने आज ओके सेलिब्रेशन कर दी। साइलेंट एवरीवन। देखो तो हम नारसेन चेंज सीख रहे हैं ना, वी स्टडी नारसेन चेंज। तो हाउ यस मैम। टू, तो नारसेन चेंज इज अ कंफ्यूजिंग पार्ट है ना, नारसेन चेंज। बट अगर तुम सही से रूल्स पता चले सीख जाओगे तो कुछ भी टफ नहीं है, ये बहुत ही इजी है। देखो तो हियर इज एग्जांपल, दीपा सेड, सेड टू के बदले में हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यूज टोल्ड, टोल्ड यूज करेंगे। तो दीपा टोल्ड क्या लिखेंगे, दीपा टोल्ड किसको बोला, टोल्ड हर फादर, ये चेंज नहीं होगा है उसके ना। पापा को, उसके हाँ तो ये पापा तो हार ही को होगा, माय फादर थोड़ा ही होगा, ये तो माय फादर योर फादर नहीं होगा है ना, ये हार फादर ही होगा क्योंकि हार हार क्लैरिफाई दीपा है ना। तो उसके बाद ये जो कोटेशन कॉमा है उसको हटाने के लिए वी यूज दैट, वी यूज दैट। एवरीवन कॉपी योर नोटबुक, कॉपी ऑन योर नोटबुक ओके। देखो दीपा टोल्ड हर फादर दैट, तो अभी दैट लिखा तो दीपा कौन है, दीपा को हम कैसे यूज करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं यूज कर सकते ना, दीपा की थर्ड पर्सन क्या होगा, दीपा इज गर्ल। अगर अगर दीपू होता तो हम ही यूज करते। तो दीपा क्या बोला था कि मैम हम कॉपी क्या आई, कर रहा है? आई के बदले में हम सी यूज करेंगे ओके, एंड एम के बदले में हम ये कॉपी करो, दीपा टोल्ड हर फादर। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन समझो अच्छे से, ज्यादा भगभग ना करके। देखो दीपा सेठ टू कौन मैम फादर है, सेठ दोनों टू पायलट, सेठ टू के बदले में हम टोल्ड लिखा ओके, टोल्ड यूज किया है ना, और हर फादर यूज किया। और जो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउन है आई, उसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम लिख दिया कि दीपा टोल्ड हर फादर यू, आई एम सॉरी यू वाज सॉरी, ऐसा कोई होगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम क्या, अगर बोलो सोचो, अगर हम बोले कि दीपा बोला उसकी पापा को कि दीपा ने उसकी पापा को सॉरी बोला, हम तो ऐसे बोलते हैं किसी का रिपोर्ट है ना। अगर दीपा बोलेगा तो दीपा सेड आई एम सॉरी, ये दीपा की लैंग्वेज है ना, दीपा ने बोला तो दीपा से आई एम सॉरी। तो वी यूज सी इंस्टेड ऑफ आई, क्योंकि आई कौन है, आई क्लैरिफाई दीपा, दीपा इज अ गर्ल, सो वी यूज सी। प्रोनाउन की जो रिलेशन है ये पता चल रहा है सबको। यस यस मैम, मैम, तो यस सी, मैम, तो है यस कि मैम, ऑलवेज जो नारेशन चेंज होता है, नारेशन वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पास्ट टेंस में होता है, ये सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट में। देखो सी, सी के बाद में क्या होता है, सी आर होता है क्या, नहीं होता है, सी वाज होता है, तो सी वाज सॉरी क्या है, सॉरी तो सॉरी होगा, सी वाज सॉरी ओके ओके। चलो पता मैम चला कॉपी कर दिया। ओके। देखो मैम फर्स्ट से लेकर 7 तक सब कुछ कॉपी करना है। हाँ देखो, तो आई टोल्ड, आई सेड टू द टीचर, ये एग्जांपल है, आई सेड टू द टीचर, तो मैम सेड के एग्जाम बदले में में हम क्या सही यूज नहीं लिख करेंगे, रही। ये योर प्रॉब्लम, सबको दिख नो रहा है मैम ना सो स्क्रीन, इनविजिबल। यस मैम मैम सो सो इनविजिबल इनविजिबल क्लियरली। क्लियरली मैम रियली ओके। पहले विजिबल। दिख रही थी, चली गई, अभी विजिबल देखो मैम इस टाइम तो मैं नहीं, नेक्स्ट, मेरी कोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई सेड टू द टीचर, मैंने टीचर को बोला कि आई एम वॉकिंग हार्ड,
आई वर्किंग हार्ड, हम बहुत मेहनत से हम वर्क करते हैं, मैं बहुत मेहनत से हम पढ़ते हैं, ऐसे बोला कि आई सेड टू द टीचर। तो ऐसे हम किसको कैसे यूज करेंगे, आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज वर्किंग हार्ड, है ना। ये वर्किंग वर्किंग होगा एम के बदले में, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्किंग होगा, है ना। क्लियर? यस। रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सेड है, सेड टू है, ये सारे रिपोर्टेड वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच है आई एम वर्किंग हार्ड, ये जितना भी है यू हैव डन वेल, है ना। He had been ill since Monday. ये सारे क्या है, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच है, ओके। यानी ये डायरेक्ट स्पीच में है और ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच हमें आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, ये कमा और ये कोटेशन। ये कोटेशन देख के हम समझ जाएंगे ये डायरेक्ट स्पीच में है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हमें लिखना है तो वी शुड रिमूव द कोमा एंड कोटेशन। कोमा एंड कोटेशन हमें रिमूव करना है एंड यूज करना है दैट। दैट इज अ कंजंक्शन हियर वी यूज, ओके। तो हमें दैट यूज करना है। क्लियर? देखो नेक्स्ट एग्जांपल इज, यस मैम, क्लियर। द टीचर सेड टू अस, द टीचर सेड टू अस यू हैव डन वेल, तुम सब बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा। तो द टीचर हम लिखेंगे, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ही लिखेंगे। द टीचर सेड टू के बदले में हम यूज करेंगे टोल्ड। देखो यहाँ पे टोल्ड है, किसको बोला, आस, मतलब हमें ये चेंज नहीं होगा। ये देखो ये कहीं पे चेंज नहीं हुआ, हर फादर भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे देखो आस भी नहीं चेंज हुआ, है ना। जो सब्जेक्ट में प्रोनाउन है सेकंड पर्सन है ना, ये चेंज नहीं हुआ, है ना। थर्ड पर्सन चेंज नहीं हुआ, सेकंड पर्सन चेंज होगा। देखो जो है इसमें ऑब्जेक्ट में है यू, यू क्या वाक्य है यहाँ पे, वी। देखो मैम आप म्यूट हो, अभी नहीं हो। देखो तो टीचर टेल अस यू हैव डन वेल, द टीचर टोल्ड अस दैट वी हैड डन वेल, है ना। तो टीचर टोल्ड अस यू हैव डन, ये देख के क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। हैव हैड जहाँ पे रहते हैं हम वही देख के समझ जाते हैं ये परफेक्ट टेंस है। तो इसको हम यूज करेंगे ऐसे कि द टीचर टोल्ड अस दैट, ये कोटेशन हटाने के लिए हुई, रिमूव करने के लिए वी यूज दैट एंड वी हैड डन वेल, ओके। देखो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। देखो हैड यूज किया, हैव हैड बन गया, है ना, हैव हैड में ट्रांसफर हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फर्स्ट परफेक्ट टेंस में बदल गया। तो राम सेड आई हैव बीन इल सिंस मंडे, देखो आई हैव बीन ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम कैसे यूज करेंगे, राम सेड दैट, ये कोटेशन हटाने के लिए हम यूज करेंगे दैट। राम ने बोला क्या, राम ने बोला कि ही हैड डन, देखो आई कैसे ट्रांसफर होगा, कोटेशन के अंदर जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा ही से, क्योंकि आई क्लैरिफाई टू राम, आई इंडिकेट टू राम। तो राम इज अ बॉय, दैट्स व्हाई वी यूज ही हैड बीन इल सिंस मंडे, वो क्या है, पूरा मंडे से बीमार है। देखो इल सिंस, इसका कोई चेंज नहीं हुआ, इल सिंस मंडे ही हुआ, बट ये जो वर्ब है ना हैव बीन, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल, द कोच टोल्ड मी दैट आई हैड प्लेयर वेरी वेल द प्रीवियस डे। देखो यहाँ पे टाइम एंड प्लेस का हमें क्या करना है, टाइम एंड प्लेस का हमें चेंज सीखना है। यहाँ पे देखो कैसा चेंज है,
प्रीवियस यस्टरडे क्या बन गया? प्रीवियस डे. यस्टरडे द प्रीवियस डे में ट्रांसफर हुआ. देखो द कोच टोल्ड मी, सेड टू बन गया टोल्ड मी, है ना. आई हैड प्लेड वेरी वेल इन द प्रीवियस यस्टरडे बन गया प्रीवियस डे. पता चला डिफरेंट? डिफरेंट पता चला? यस मैम पता चला. यस तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल इज आई सेड टू हिम आई वाज डूइंग माय ड्यूटी. मैंने उनको बोला कि मैं मेरा ड्यूटी कर रहा था. देखो वाज ये क्या है? पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस का है ना, पास्ट कंटीन्यूअस का एग्जांपल. तो आई टोल्ड हिम तो ये होगा टोल्ड. सेड टू के बदले हम यूज करते हैं टोल्ड, है ना. हिम दैट आई हैड बीन डूइंग माय ड्यूटी कि हम मेरा ड्यूटी मैंने कर दिया. देखो आई हैड डूइंग फर्स्ट कंटिन्यूअस अगर रहा तो ये क्या हो जाते हैं? फर्स्ट परफेक्ट में बदल जाता है ना. तो हैड बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस डूइंग माय ड्यूटी. देखो तो रमन सेड, रमन ने बोला आई शैल गो देयर, मैं वहां पे जाऊंगी. रमन सेड दैट, एक कोटेशन कमा हट गया, he would go there, वो वहां पे जाएंगे. ओके रमन सेड ऐसा. देखो मैम वो साथ है हाँ, मैंने भी साथ के साथ ये सारे से. हाँ तो वेरी गुड. देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं सेंड करती हूँ. एग्जांपल कहाँ पे है? एग्जांपल ढूंढ रही हूँ. देखो यहाँ पे एग्जांपल है कि he said God is omniscient. उसने क्या बोला? भगवान है. हाँ ये करना है ना ऐसा एग्जाम्पल. कहाँ पे एग्जाम्पल? यस ओके प्रैक्टिस करना है. ओके देखो प्रैक्टिस करना है हमें, हमें प्रैक्टिस करना है. तो प्रैक्टिस कैसे करोगे अगर नहीं लिखोगे तो? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, या एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे. देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है. तो ही सेड टू हिज, ही देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिला. ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक. उसने बोला कि फ्रेंड को बोला कि तुम्हारे जो बुक है वो मुझे उधार दो. ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ही सेड टू, ही टोल्ड, सेड टू के बदले हम टोल्ड यूज करेंगे. ही टोल्ड His friend. From time to time. Okay, तो ये और 3 मिनट है मेरा. Okay, चलो. तो said to his friend. तो ये हम use करेंगे. He told his friend. तो इसका कैसे यूज करते हैं हम सिखा देंगे. ओके देखो और एक एग्जाम्पल देखती हूँ. कहाँ गया एग्जाम्पल? मैम ये जो एग्जांपल आपने अभी करा है वो तो एक्सरसाइज है, तो मैम एक्सरसाइज तो लिखनी है, तो मैम दो बार लिखे. हाँ देखो मैंने जो एग्जांपल ट्राई किया था ना ये बाद में जब सब सीख जाएंगे तब कुछ करना है. देखो ये सीखो पहले, पहले सब रूल्स वगैरह कंप्लीट करना है ना. अगर पहले सीख लो तो कैसे होगा? बोलो मैम. बोलो मैम.
बोलो ना, पीडीएफ भेज दोगे? मैंने भेजा ना कल। हाँ मैं वो बस प्रैक्टिस करने के लिए सेंड करूंगी और नहीं सेंड करूंगी। ओके चलो कहाँ गया रे। ओके चलो मैं और एक, हाँ मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, रुको। ओके टेल मी, ही सेड टू मी आई विल लीव टू दिल्ली टुमारो। ये एग्जांपल क्या होगा टेल मी? ही सेड टू मी, देखो he said to me ma'am, question ek bar repeat karo na, wait dekho, he said to me, okay, he said to me, comma, quotation start, I will leave to Delhi, I will leave to Delhi tomorrow, okay, tomorrow, उसने मुझे बोला कल मैं दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली के लिए मैं जाऊंगी, तो ये क्या होगा? Tell me, said to के बदले में हम यूज करेंगे क्या? He said that. Told यूज करेंगे। हाँ ये है बराबर बोला। He told me के बदले में हम told यूज किया ना, told me that he told me that, हम इस करेंगे किसको clarify करते हैं? He को, है ना? He को, I subject को clarify करते हैं, तो I के बदले में हम he यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे pronoun he ही है, अगर नाम होता तो चेंज करके ही करते। He told me that he will leave to Delhi next day, होगा टुमारो को क्या चेंज होगा? देखो आफ्टर डे, हाँ डे आफ्टर दिल्ली, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर कोटेशन कॉमा की सी इज वेरी ऐसे ही करते। सी इज वेरी इल, वेरी ओके इल टुडे, सी इज वेरी इल टुडे। ओके हनुमान, शी टोल्ड टू मी दैट शी इज वेरी इल टुडे। हनुमान शी टोल्ड टू नहीं होगा, टोल्ड मी होगा, टू नहीं होगा। सेड टू के बदले में वी यूज instead of said to we use told, so she told me ye that quotation hatane ke liye we always use that she is very ill today, ha she is kya hoga, she ye past hoga, that she was very ill hoga, reported she is always very ill in past tense, past tense she was very ill today, yes yes sir, she was very ill today,
today. Not today. Today will be today. On this day. On this day. That day. Today will be that day. मैंने सेंड किया मैम टुडे तो बैड डे कैसे होगा ना मैं तो बोला टुडे बैड डे मतलब तो उस दिन हां डे वो बैड मतलब ऑन दिस डे होगा ऑन दिस डे हां मैम ऑन दिस डे होगा देखो रूल्स जैसा है ऐसा ही है ओके रूल्स मैंने सेंड किया था रूल्स मैम मेरी बात एक बार सुनो मैम बैड डे मतलब वो दिन वो वो बीमार आज है और आप कह रहे हो दैट डे मतलब अगले दिन वो दिन अगले दिन बोला सुनो हनुमान हनुमान समझो बोला कि he said to she said to me उसने मुझे बोला हाँ कि she is very ill today वो आज बहुत ही बीमार है ना तो इसको हम कैसे बोलेंगे हिंदी में ऐसे करेंगे ना सी उसने मुझे बोला था कि वो उस दिन बहुत बीमार था ये तो पास्ट टेंस में कर रहे हैं ना पास्ट टेंस में अगर नहीं होता है ओके Today होता है that day. Today instead of that today we use that day. ये rules है. ये rules किसने बनाया उससे पूछो. जैसे yesterday. हाँ मैं क्या पता किसने. Yesterday होता है the previous day. ये grammar की rule है. Oxford University ने बनाया. Okay? मैं रुको मैं खोल लगाता हूँ Oxford में. हाँ तो मैंने rule send किया था ना कि tomorrow will be देखो ये वाला रूल मैं फिर से सेंड करती हूँ पहले अच्छे से रूल्स फॉलो करो ओके मैम वन मिनट बैड डे होगा तो फिर मैं टुडे नहीं होगा ना ऐसा ही होता है दैट डे होगा नॉट दिस डे ओके अगर कोई क्वेरी है अबाउट passive indirect construction no you can no question